हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंग्लिश ग्रामर में सीखने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है? मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं। जब हम सेंटेंस बनाते हैं या कोई स्पीच देते हैं तो उसमें हम कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन शब्दों को हम अलग अलग कैटेगरीज में या भागों में रखते हैं। इन अलग अलग कैटेगरीज को या कहें भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। आइए समझते हैं कि ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, फिर नेक्स्ट है कंजंक्शन और आखिरी यानी आठवां है इंटरजेक्शन। आइए अब एक एक करके समझते हैं कि इन अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। सबसे पहले हम आते हैं नाउन। नाउन यानी संज्ञा। इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस और एनी इमोशन। ये हम किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम या किसी इमोशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका नाम, मेरा नाम, मार्कर, शर्ट, वाइन बोर्ड, उत्तराखंड, इंडिया, ये सारी चीजें नाउन कहलाती हैं। दूसरे में आते हैं यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम किसी संज्ञा की जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही, शी, दे, इट, ये सारे प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वह, वे, मैं, तुम इत्यादि। तीसरा आता है एडजेक्टिव यानी विशेषण। इट इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये एक ऐसा शब्द है जो विशेषता बताता है संज्ञा की या सर्वनाम की। इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे गुड, बैड, फास्ट, ये सारे शब्द एडजेक्टिव्स यानी विशेषण कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ब यानी क्रिया। Verb is a word which denotes an action. ये कैसा शब्द है जो किसी action के बारे में बताता है, यानी कोई भी कार्य, जैसे sleep, eat, go, study। हिंदी में कहें पढ़ना, भागना, दौड़ना, सोना इत्यादि। इन सारे शब्दों को हम verb कहते हैं। Fifth is adverb, यानी क्रिया विशेषण। It is a word which modifies an adjective, a verb or any other adverb. ये एक ऐसा शब्द है जो विशेषता बताता है किसी विशेषण की या किसी क्रिया की या फिर किसी अन्य क्रिया विशेषण की। ऐसे शब्दों को हम adverb कहते हैं, जैसे loudly, slowly, ये सारे शब्दों को हम adverbs कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक। इट इज अ वर्ड विच इज यूज टू शो द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन विथ समथिंग एल्स। ये एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी वस्तु के साथ संबंध बताता है, जैसे कि ये मेरा हैंड और ये मार्कर। तो अभी हैंड और मार्कर के बीच में संबंध है ऑन, तो ऑन, ओवर, बिलो, तो ये ओवर, अबव, ऑन, डाउन,
ये सारे शब्द प्रीपोजिशन कहलाए जाते हैं। कंजक्शन यानी संयोजक। इट इज अ वर्ड विच इज यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस और टू फ्रेजेस। ये कैसा शब्द है जो किसी दो शब्दों को या दो वाक्यों को या कोई दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एंड और बट। ये सारे शब्द कंजक्शन कहलाए जाते हैं। आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सडन यानी अचानक से किसी इमोशंस को बताने के लिए करते हैं, जब अचानक से आप कोई भाव बताते हैं। इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू शो द सडन एक्सप्रेशन और एनी फीलिंग। ये कोई शब्द भी हो सकता है या कोई ध्वनि भी हो सकती है, जैसे आप कह सकते हैं वाव, ऑसम। ये सारे वर्ड्स इंटरजेक्शन कहलाए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अब हम कुछ उदाहरण की मदद से समझेंगे। हमारे सामने तीन वाक्य हैं। पहला वाक्य है सुनील इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। दूसरा वाक्य है ही इज एंजॉयिंग एंड रनिंग वेरी फास्ट ऑन द रोड। तीसरा सेंटेंस है एक्सीलेंट। तो आइए समझते हैं कि इसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां कहां पर इस्तेमाल किए गए हैं। तो सबसे पहले आते हैं नाउन। नाउन यानी संज्ञा, किसी भी चीज का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी इंसान का नाम या किसी इमोशंस को भी हम नाउन कहते हैं। पहले वाक्य में बताइए कि नाउन कहां है। इस वाक्य में आपको सुनील जो कि किसी पर्सन का नाम है, इंसान का नाम है, तो ये हमारा नाउन है। इस वाक्य में स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, ये भी किसी का नाम है, विद्यार्थी यानी जो पढ़ता है, तो इसे भी हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरे सेंटेंस यानी सेंटेंस बी में बताइए नाउन कहां पर है। रोड। रोड यानी रास्ता, जहां पर हम चलते हैं या गाड़ियां चलती हैं, तो उसे हम रोड कहते हैं। रोड भी एक नाउन है। इन तीनों वाक्यों में हमने पता किया कि नाउन कहां कहां पर इस्तेमाल किया गया है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी प्रोनाउन में। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, कोई भी ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा की जगह इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम बोलते हैं। बताइए सेंटेंस ए में प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहां है। यहां पर नहीं है। सेंटेंस बी, सेंटेंस बी में ही जो किसी दूसरे के नाम की जगह इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसे हम प्रोनाउन कहेंगे। और सेंटेंस सी में कोई प्रोनाउन नहीं है, यानी तीनों वाक्यों में सिर्फ ही जो है वो प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव यानी विशेषण, कोई भी ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव यानी विशेषण बोलते हैं। सेंटेंस ए में बताइए एडजेक्टिव क्या है। सेंटेंस ए में आपको एक वर्ड मिलेगा गुड। ये गुड विशेषता बता रहा है स्टूडेंट की, यानी जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो अच्छा विद्यार्थी है, तो जो गुड है ये हो जाएगा एडजेक्टिव। गुड जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, वेरी एडजेक्टिव नहीं है, सिर्फ यहां पर गुड ही एडजेक्टिव है। सेंटेंस बी में बताइए कहां पर है एडजेक्टिव। यहां पर भी नहीं है। और सेंटेंस सी, यहां पर भी एडजेक्टिव नहीं है। एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी वर्ड जैसे कि ए, एन और द, इन सबको हम आर्टिकल्स की कैटेगरी में रखते हैं। ए, एन और द, इन तीनों को हम आर्टिकल्स की कैटेगरी में रखते हैं। आर्टिकल्स जिन्हें हम डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं।
आर्टिकल्स या कहें डिटरमाइनर्स, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। यानी अगर आपको वाक्य में एन, अ या द इनमें से कोई भी मिलता है, ये सारी चीजें एडजेक्टिव का पार्ट है। तो अगर आपको वाक्य में मिलता है अ, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। सेंटेंस बी में आपको मिलेगा द, यहां पर द भी एडजेक्टिव है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में, यानी वर्ब। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया के बारे में बताता है, यानी किसी भी तरीके का एक्शन, जैसे पढ़ना, पढ़ाना, सोना, भागना। आइए देखते हैं कि सेंटेंस ए में क्रिया कहां पर है। तो यहां पर आपको इज जो है वो एक क्रिया मिलेगी, यानी वर्ब। सेंटेंस बी में यहां पर इज है वर्ब। इंजॉइंग ये भी एक वर्ब है क्योंकि ये काम हो रहा है, तो इंजॉइंग को भी हम बोलेंगे वर्ब। इसके बाद यहां पर इस्तेमाल किया गया है रनिंग, यानी भागना, ये भी एक वर्ब है। तो ये सारे हमारे वर्ब कहलाते हैं। वर्ब को भी हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यहां पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को हमने एक साथ बना दिया है, यानी वर्ब। अब हम आते हैं नेक्स्ट, यानी एडवर्ब पे, क्रिया विशेषण। ये एक ऐसा शब्द है जो विशेषता बताता है किसी एडजेक्टिव की या किसी वर्ब की या किसी दूसरे एडवर्ब की। उस वर्ड को हम एडवर्ब बोलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस ए में क्या कोई एडवर्ब है? सेंटेंस ए में वेरी, यानी बहुत। ये जो वेरी है ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है ये वेरी? विशेषता स्टूडेंट की नहीं बता रहा है, ये वेरी विशेषता बता रहा है गुड की। क्योंकि अगर ये वेरी स्टूडेंट की विशेषता बताता तो इसे हम एडजेक्टिव बोलते, यानी विशेषण। लेकिन ये वेरी स्टूडेंट की विशेषता नहीं बता रहा है, ये वेरी हम विशेषता बता रहा है गुड की। गुड एक एडजेक्टिव है। तो कोई भी शब्द जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। कोई भी शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। तो यहां पर वेरी जो है वो एक एडवर्ब है। बी, बी में आपको मिलेगा फास्ट। ये जो फास्ट है ये विशेषता बता रहा है रनिंग की, यानी एक वर्ब की। अगर ये फास्ट ही की, यानी प्रोनाउन की विशेषता बताता तो ये फास्ट हो जाता एडजेक्टिव। लेकिन यहां पर फास्ट विशेषता बता रहा है वर्ब की, इसीलिए ये जो फास्ट है ये हो जाएगा एडवर्ब। वेरी, वेरी यानी बहुत, ये विशेषता बता रहा है फास्ट की, यानी वो तेज नहीं बहुत तेज भाग रहा है। तो ये जो बहुत है यानी वेरी, ये विशेषता बता रहा है किसी दूसरे एडवर्ब की। तो जो कोई भी शब्द दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे भी हम एडवर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम नेक्स्ट, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक। कोई भी ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे के साथ संबंध बताता है, ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। सेंटेंस ए में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है। सेंटेंस बी में आपको एक शब्द मिलेगा जिसे कहते हैं ऑन, यानी जो ही है वो रोड के ऊपर भाग रहा है। यानी जो ये ऑन है ये प्रोनाउन और किसी दूसरी चीज के बीच में संबंध बता रहा है। तो यहां पे जो संबंध है वो संबंध है ऑन का, इसलिए ऑन को हम प्रीपोजिशन बोलेंगे। इसलिए इस ऑन को प्रीपोजिशन कहा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन यानी संयोजक। कोई भी ऐसा शब्द जो दो शब्दों को,
दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, ऐसे शब्दों को हम कंजक्शन कहते हैं। अब देखिए सेंटेंस बी में कंजक्शन कहां है, आपको सेंटेंस बी में मिलेगा एंड, जो कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, यानी ही इज एंजॉयिंग और दूसरा वाक्य है रनिंग फास्ट ऑन द रोड। तो ये जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है उसका नाम है एंड। तो इस एंड को हम कहेंगे कंजक्शन। और लास्ट बच गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी एक ऐसा शब्द या एक ऐसा साउंड यानी ध्वनि जो किसी फीलिंग के बारे में या कोई सडन इमोशंस के बारे में आपको बताए, ऐसे शब्दों को या ऐसी साउंड को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। सेंटेंस ए और बी में कोई इंटरजेक्शन नहीं है और सी में आपको मिलेगा एक इंटरजेक्शन जिसका नाम है एक्सीलेंट। ये एक्सीलेंट जो है एक ऐसा वर्ड है जो आपके इमोशंस को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए यहां पर एक्सीलेंट जो है वो है इंटरजेक्शन। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी पैशनेट, बी कॉन्फिडेंट एंड बी इंस्पायर्ड। बाय बाय। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं।